एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन। सो इन द लास्ट सेशन दैट वी हैड विद यू पीपल वेयर इन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एडजेक्टिव्स, जहां पर मैंने आपको कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे अबाउट एडजेक्टिव्स, और आज हम उसी को आगे फर्दर लेकर जाएंगे, राइट? तो हम आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के। आई होप आप सब ने प्रीवियस सेशन हमारा एडजेक्टिव्स का देखा है, एंड इफ नॉट प्लीज डू एंड गो फॉर दैट, प्लीज प्लीज जस्ट वॉच इट सो दैट वी कैन हेल्प यू फर्दर विद दिस सेशन, राइट? चले भाई, आज जो हम सबसे पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले मैं उसका एक पैटर्न लिख रही हूं एंड देन वील अंडरस्टैंड इट, ओके? इफ इन अ सेंटेंस, अगर आपको कोई सेंटेंस में इस तरह का पैटर्न मिलता है जैसा कि मैं अभी लिख रही हूं, इफ यू फाइंड एनी कंपेरेटिव उसके साथ भाई कोई नाउन लिखा हुआ है, लाइक इफ इट इज भाई आपको कंपेरेटिव डिग्री दिखी और आगे नाउन लिखा है बेटर बॉय, बेटर गर्ल, बेटर स्टूडेंट, इस तरह से, राइट? स्मार्टर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गर गर्ल, इस तरह से। तो आपको एक चीज याद रखना है कि भाई अगर इनके साथ, इसके साथ अगर ऑल अदर लिखा है आगे, आप कंपैरिजन करते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल अदर का, तो इसके साथ लगा हुआ जो नाउन होगा वो भाई प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। I'll repeat my words. अगर किसी सेंटेंस में कंपेरेटिव एडजेक्टिव के आगे नाउन लिखा है, इस तरह का पैटर्न है, तो आगे अगर आप ऑल अदर लिख रहे हैं, बेटर देन, बेटर स्टूडेंट देन ऑल अदर, तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही इज बेटर देन ऑल अदर boys in the class, तो आप अगर यहां देखे, हमने कहा better, हम comparative degree use कर रहे हैं जहां पे हम एक noun का comparison कर रहे हैं किसी और के साथ। भाई better जैसे use किया हमने, जहां पर लिखा all other, जो आगे noun use किया गया है वो plural form का होगा और ना कि singular। भाई एग्जाम में एरर कैसे आएगी इससे रिलेटेड, वहां वो लिख देंगे ही इज बेटर देन ऑल अदर बॉय इन द क्लास, राइट? और मे बी दे ईट आउट ऑल, ऑल को हटाई दे तो वो भी गलत है, देन अदर बॉयज नहीं, देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इफ इन केस हियर यू फाइंड इट इज रिटन एनी अदर, अगर ऑल अदर के बजाय यहां लिखा है एनी अदर, तो जो नाउन इस्तेमाल होगा इसके आगे वो सिंगुलर फॉर्म का होगा। अगर ऑल अदर लिखा होगा तो नाउन प्लूरल होगा, अगर एनी अदर लिखा होगा तो नाउन सिंगुलर होगा। इसी सेंटेंस को देखते हैं भाई, अगर इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दें, हम कहें ही इज बेटर देन एनी अदर, तब हम बॉयज नहीं लिख सकते, तब हम इसको कर देंगे बॉय। ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, तब नाउन सिंगुलर। भाई ऑल अदर के साथ नाउन प्लूरल, एनी अदर के साथ नाउन सिंगुलर। सो दिस इज हाउ दिस पैटर्न विल वर्क। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी नाउन का सेंटेंस में, ऑल अदर लिख रहे हैं उसकी मदद से कर रहे हैं तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, एनी अदर की मदद से कर रहे हैं तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, राइट? चलो Let's move on to the next point. The next point is related to older and elder, although I guess this is the easiest point, right? You must have heard of this. आप use भी करते होंगे elder और older शब्द का। तो भाई older और elder में अंतर क्या होगा, इन दोनों में difference क्या है? First of all, जब भी दोनों ही comparative form है तो दोनों का इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए होता है और दोनों को किसी से बड़ा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई अंतर यह है कि ओल्डर जो है इसके साथ आप दैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो और टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपने अगर किसी सेंटेंस में लिखा हिमांशु इज ओल्डर दैन आई,
All right, it is correct. If you say older to me, correct. There is no error. In both ways you can use it. You can use than, you can use to. But in case of elder, you can only use to. Elder ke saath aap sirf to ka istemal kar sakte hain. Elder ke saath aap than ko attach nahi kar sakte. Also, ye baat bhi yaad rakhiyega. Elder sirf aur sirf blood relations ke liye use hota hai. भाई आपको अपने भाई की बात करनी है, अपने पिता की बात करनी है, आप तभी एल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल इट से माय ब्रदर इज एल्डर टू मी. दिस इज हाउ यू विल राइट एल्डर टू मी. अगर आप इस सेंटेंस में यहां पर दैन लिख देते हैं तो ये एरर माना जाएगा, राइट? इस तरह की ही एरर आएगी आपको. वहां लिख देंगे वो माय ब्रदर इज एल्डर देन, दैट इज इनअप्रोप्रिएट. इंस्टेड ऑफ देन यू हैव टू मेक इट टू, राइट? दिस इज हाउ इट गोज. ओल्डर, देन और टू दोनों के लिए, एल्डर सिर्फ टू के लिए. और ये भी याद रखे कि एल्डर जो है वो ब्लड रिलेशंस के केस में इस्तेमाल होता है, राइट? जो आप रीजन में भी पढ़ते हैं ना, ब्लड रिलेशन, राइट? भाई बहन, माता पिता, वो फॉर्म में आप टू एल्डर का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ टू ही लग सकता है. ऑलराइट, सो दिस इज अगेन, दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट. लेट्स मूव अहेड विद दिस. ऑलराइट, चलिए भाई, जो अगला पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिस तरह की एरर आपको एग्जाम में मिलेगी, वो इट इज इंपॉर्टेंट. अगेन कंपैरेटिव से ही रिलेटेड है. इसको हम कहेंगे कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी एंड नंबर. कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी एंड नंबर. भाई इसका मतलब क्या है, इधर से हम क्या बताना चाहते हैं? देखो भाई, अगर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन करते वक्त आप, फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज टाइम, when there's time used for comparison, अगर आप किसी सेंटेंस में टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरिजन करने वक्त, तो फिर जो एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज कीजिएगा. क्योंकि फोर टाइम्स लिख दिया तो फोर टाइम्स ने खुद ही कंपेरिजन कर दिया. जैसे कंपेरेटिवली के था, रिलेटिवली के लिए था, तो ये खुद ही कंपेरिजन बता देगा. फिर आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे ना कि कंपेरेटिव. लाइक इफ आई से माई बुक is 3 times cheaper than yours. Now this is inappropriate. ये गलत हो गया. Why? Because you, since you're writing 3 times, you cannot write cheaper. या तो आप लिख दीजिए my book is 3 times as cheap as yours. लेकिन आप चीपर नहीं लिख सकते, तब देन भी हट जाएगा जब आप एज चीप एज लिखेंगे. या तो चीप लिखिए माई बुक इज 3 times चीप देन योर्स, या कह सकते हैं माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स. सो वेन एवर यू गो फॉर टाइम वर्ड और यू यूज दिस व्हेन यू आर मेकिंग कंपैरिजन सेंटेंस, यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. यू कैनॉट यूज कंपेरेटिव फॉर्म, राइट? For example, all right, you can say this, like we have another sentence. If I just erase this, I'll write it for you people. By agar hum bina time word ko istemal na kare, hum kahe this table is 10 kilos lighter than that. Now it's good to go. हम कह रहे this table is 10 kilos lighter than that. हमने यहां पर time का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर हम लिख दे this table is 10 times lighter than that, which is inappropriate. You cannot use time के साथ comparative form. तो अगर आप time शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं sentence में, तब तो आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप time का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप comparative degree का adjective वहां sentence में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट? So these are the next 3 points that we've discussed with you. The first point that I did with you people was about comparative
अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ऑल अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर नाउन प्लूरल होना चाहिए, एनी अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाउन सिंगुलर होगा. उसके बाद हमने बात की अबाउट एल्डर एंड ओल्डर, राइट. ओल्डर दैन और टू दोनों ले सकता है, जबकि एल्डर के साथ सिर्फ टू आता है और एल्डर ब्लड रिलेशन में आता है. तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, भाई अगर आप टाइम शब्द के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, वेदर इट्स क्वांटिटी, वेदर इट्स वेट और वट एवर, यू कैनॉट यूज कंपेरेटिव फॉर्म, यू हैव टू मेक यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री. बट अगर आप टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब आप कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. चले एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर सेंटेंस में एक के बाद एक एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, भाई पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना. सो वी विल टॉक अबाउट नाउ इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. भाई एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या होता है पहले मैं लिख देती हूं. साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, और सबसे लास्ट में आप वो नाउन को लिखेंगे जिसके साथ ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं अटैच्ड हैं, ठीक है. भाई मैं ऐसा नहीं कह रही एडजेक्टिव सिर्फ इतने ही होते हैं, साइज शेप यही सब बताते हैं, नो देयर आर मेनी, बट एज पर एज इन रिस्पेक्ट टू इन रिलेशन टू योर एग्जामिनेशन दिस ऑर्डर सीरीज इज इनफ, ओके दिस इज सफिशियंट. So size, shape, age, color, nationality, material and noun. For example, if you see, if in a sentence it is written, let's take an example. It is a round, black, big, plastic table. It is written a round, black, big, plastic table. If we go for this, in this sentence, round is shape. Black is color, big is size, plastic is material, table here is noun. So we'll have to go for size, which means number one would be big, shape two, age is not there, color black, nationality is not there, material and then noun, which means the inappropriate place is of big. Big ko humne galat jagah likha hai. Sahi sentence kya hoga? A big, बिग यहां पर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ हियर, वी रिमूव इट फ्रॉम हियर, यहां से रिमूव कर देंगे. अ बिग राउंड ब्लैक प्लास्टिक टेबल. तो भाई आप किसी व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो उधर एज भी आ जाएगी, अगर आप किसी लिविंग की बात करें तो उधर एज भी आ सकता है और नेशनैलिटी भी, भाई इंडियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, व्होएवर इट इज, राइट, तब नेशनैलिटी भी आ जाएगी तब. लेकिन फॉलो यही कंसेप्ट होगा, साइज, शेप, एज, color, nationality, material and at last you'll have to make use of noun. So this is how you'll have to place adjectives in particular order in a sentence. Alright, so this is what we have in store for you today and we'll be back in the next session with few more things to discuss, right. Till then practice this. Peace out. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.